Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhu Pada Prabhu Pada Prabhu Pada Jaya Prabhu Pada Jaya Prabhu Pada Prabhu Pada Prabhu Pada Jaya Prabhu हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग का प्रारंभ करते हैं। इस अध्याय की शुरुआत अर्जुन के प्रश्नों से होती है। अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछता है। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रयायतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। भगवान ने पीछे के अध्यायों में कर्म संन्यास कर्म योग इन विषयों के ऊपर चर्चा की है। तो अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया कि संन्यासम कर्मणाम कृष्णा, हे कृष्णा, आपने एक समय कहा कि संन्यास करो, संन्यास लो, कर्म से संन्यास लो। कर्म से संन्यास का क्या आशय है? ये ज्ञान का मार्ग है जिसमें व्यक्ति को प्रबल वैराग्य और विवेक इसका आश्रय लेकर प्रकार से विरक्ति का मार्ग है। तो अर्जुन को लगा अच्छा है, मुझे तो यही करना है क्योंकि इसे युद्ध नहीं करना होगा। लेकिन साथ ही साथ तीसरे अध्याय के आखिरी में भगवान ने कहा कि तुम युद्ध करो यानी कर्म योग। और कर्म योग क्या है? निष्काम भाव से बिना फलों के प्रति आसक्त हुए इस संसार में कर्म करना। तो अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछता है कि कौन सा श्रेष्ठ है? तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम यत् श्रेय यतयोर एकम। ये जो दो आपने मार्ग बताए हमें, एक कर्म संन्यास का मार्ग और एक कर्म योग का मार्ग, तो इन दोनों में से मेरे लिए मंगलकारी क्या है, मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है, आप कृपया करके निश्चित रूप से बता दें ताकि मैं एक का पालन करूं। क्योंकि एक व्यक्ति एक ही समय दो दिशा में तो नहीं चल सकता, या तो पूरब जाएगा या पश्चिम जाएगा। अर्जुन का प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो इसके उत्तर में भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस कर्मयोगो विशिष्यते। भगवान ने कहा संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस करा उभौ। निःश्रेय यानी कि परम कल्याण, एक होता है प्रेय एक होता है श्रेय। जो सर्वश्रेष्ठ कल्याण है वो दोनों से ही प्राप्त होता है, संन्यास से भी और कर्म योग से भी। यानी कर्म संन्यास के मार्ग से यदि कोई व्यक्ति इस संसार से विरक्त होता है, हर प्रकार के कर्तव्यों को बंद करके केवल ध्यान करता है, तत्वों का निरूपण करता है, यानी कि वेद आदि अध्ययन करता है, ये भी एक मार्ग है। ओम ओम जप करता है, इसे कहते हैं कर्म संन्यास का मार्ग। लेकिन दूसरा मार्ग है कर्म योग का मार्ग,
जब व्यक्ति फलों के प्रति अनासक्त होकर इस संसार में भगवान की प्रसन्नता के लिए या किसी श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए कार्य करता है, उसे कहते हैं कर्मयोग। भगवान कहते हैं दोनों से ही सिद्धि प्राप्त होगी, निःश्रेयस कराव उभव, उभव यानी दोनों, दोनों से ही हमें जो हमारे जीवन की सिद्धि है वो प्राप्त होने वाली है। फिर भी तयो अस्ति, क्योंकि उस प्रश्न पूछा का अर्जुन ने कि दोनों में से जो श्रेष्ठ हो वो बताइए आप, तो तयो अस्तु तु यानी किंतु, उन दोनों में से कर्म संन्यासात, कर्म संन्यास से कर्म योगो विशिष्यते, कर्म संन्यास से कर्म योग विशिष्यते यानी कि श्रेष्ठ है। अब प्रश्न उठता है क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान इसका उत्तर देंगे अगले श्लोक में। क्योंकि कर्म संन्यास का मार्ग कठिन है, यदि हर प्रकार से व्यक्ति ऐसे विरक्त होकर एकांतवास करता है, बुद्धि की प्रखरता से स्वयं आत्म अनुसंधान में लगता है, आत्म अनुशीलन में लगता है, तो उसके पतन होने की संभावना रहती है। लेकिन कर्म योग के मार्ग में व्यक्ति क्रमशः संसार में कई प्रकार के कर्म करते हुए अपने चित्त को शुद्ध करता है, फलों को भगवान को अर्पित कर देता है, तो कर्म करने की मना ही नहीं है, तो यहां धीरे धीरे उसका चित्त शुद्ध हो जाता है। तो भगवान ने कहा कि कर्म योग विशिष्ट है, क्योंकि यह सामान्य लोगों के लिए मार्ग है। फिर भी भगवान कहते हैं क्यों विशिष्ट है, क्योंकि गया ही सत्य नित्य संन्यासी, गया समझो स नित्य संन्यासी, ऐसा कर्मयोगी जो न द्वेष्टि न कांक्षति, न तो किसी से द्वेष करता है, न किसी प्रकार के भौतिक आकांक्षा से प्रेरित होकर कोई कार्य करता है, तो उसको समझना चाहिए वो भी सन्यासी है। सन्यासी का अर्थ केवल गेरुए वस्त्र पहनने वाला नहीं, एक सन्यास एक मानसिकता है। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्मों के फल से अनासक्त है, उसमें अभिमान नहीं है, कर्ता का भाव नहीं है, यानी कि एक सन्यास एक विशेष प्रकार की भाव दशा है, एक जब हृदय का उद्देश्य स्पष्ट है कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है, तो भगवान कहते हैं ऐसा जो कर्म योगी है, गेय समझो उसे सनित्य सन्यासी, वो भी नित्य सन्यासी है, जो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंद्व ही महाबाहो, निर्द्वंद है, द्वंद यानी कि इस संसार के जो ड्यूअलिटीज हैं, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, तो इस प्रकार के जो समस्त प्रकार के जो द्वैत भाव है, इससे कोई मुक्त हो गया, अपने बारे में बहुत ज्यादा आकांक्षा नहीं करता, किसी से ईर्ष्या नहीं करता, तो समझना चाहिए सुखम बंधात प्रमुच्यते, वो तो बहुत ही आसानी से इस संसार सागर को पार कर सकता है, सुखम बंधात, इस बंधन को बंधन से मुक्त हो जाता है। तो ऐसा कर्म योगी भी सन्यासी ही है। तो फिर अर्जुन का जो प्रश्न था कि श्रेष्ठ क्या है, एक्चुअली ये प्रश्न ही ठीक नहीं है, दोनों ही ठीक है। एक्चुअली जब यदि संन्यास मार्ग से जाओगे तो भी तुम मुक्त हो जाओगे, कर्म योग के मार्ग से जाओगे तो भी मुक्त हो जाओगे, बस बात इतनी सी है कि जो कर्म संन्यास का मार्ग है ये बिरले लोगों द्वारा संभव है, जो कर्म योग का मार्ग है आसान होने के कारण यह सभी लोग कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न है अर्जुन का कि श्रेष्ठ क्या है, तो भगवान ने कहा ठीक है, यदि तुम जानना ही चाहते हो कि श्रेष्ठ क्या है, तो समझो कि कर्मयोग श्रेष्ठ है, विशिष्ट है, लेकिन फिर भी इनमें पार्थक्य नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इसमें पृथकता करता है तो समझना चाहिए उसकी बुद्धि क्या है, बाल्य बुद्धि है। इसकी चर्चा भगवान अगले श्लोक में करते हैं, मेरे पीछे दूर रहिए। सांख्य योगौ पृथक वाला, सांख्य योगौ पृथक वाला, प्रवदन्ति न पंडिता, प्रवदन्ति न पंडिता, एकम अप्यस्थितः सम्यक्, एकम अप्यस्थितः सम्यक्, उभयोर्विन्दते फलम्, उभयोर्विन्दते फलम्। सांख्य योगौ पृथक वाला, सांख्य योगौ पृथक वाला, प्रवदन्ति न पंडिता, पंडिता, एकम अप्यस्थितः सम्यक्, एकम अप्यस्थितः सम्यक्, उभयोर्विन्दते फलम्, उभयोर्विन्दते फलम्। ये श्लोक सुनने के बाद कुछ भक्तों को कठिनाई होती है, क्योंकि भगवान ने जो पीछे जिन शब्दों का उपयोग किया तो बदल दिया, पीछे संन्यास और योग शब्द व्यवहित हुए थे,
संन्यास यानी कि कर्म संन्यास ज्ञान का मार्ग, और योग यानी कि कर्म योग का मार्ग। अब उन्हीं बातों को व्यक्त करने के लिए भगवान यहाँ सांख्य शब्द का व्यवहार कर रहे हैं, और योग यानी सांख्य योगो पृथक बाला। सांख्य का आशय है कर्म संन्यास का मार्ग, और योग यानी कि कर्म योग का मार्ग। तो जो व्यक्ति सोचते हैं कि कर्म संन्यास का मार्ग अलग है और कर्म योग का मार्ग अलग है, ये क्या है? बाल बुद्धि है, यानी कि वो अपरिपक्व है। हो सकता है कि उनकी शरीर बढ़ गया लेकिन बुद्धि अभी बढ़ी नहीं है। क्यों अलग सोचते हैं ऐसे? क्योंकि जैसे बच्चे बाहरी चीज़ों के प्रति बहुत आकृष्ट होते हैं, क्योंकि प्रतीत ऐसा ही होता है कि एक व्यक्ति देखो जो कर्म संन्यास का मार्ग का अनुसरण करने वाला है, वो तो सब कुछ छोड़ के बैठा हुआ है, है ना। उसने विवाह भी नहीं किया, घर की गृहस्थी भी नहीं बसाए, सूखा रूखा खाता है, दिन भर बैठकर ओम ओम करता है या कोई जाप करता रहता है, वेद अध्ययन में लगा रहता है। लेकिन एक कर्म योगी व्यक्ति है, वो तो घर संसार में रहता है, कठोर श्रम करता है, भगवान की सेवा में लगा रहता है। तो दोनों देखने में तो बिल्कुल पृथक लग रहे हैं, पृथक दिखने में ऐसे प्रतीत होते हैं, लेकिन उद्देश्य चूंकि दोनों का एक है इसलिए दोनों पृथक नहीं है। तो जो लोग पृथक सोचते हैं तो समझना चाहिए उनकी बुद्धि क्या है? बाल बुद्धि है। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता। जो पंडित गण हैं, जो विद्वान हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, प्रवदंती वे कहते हैं कि वो अलग नहीं है। दूसरे शब्दों में जो पंडित गण हैं वे इसको अलग नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते? एकम अपि अस्थितः सम्यक। यदि कोई सम्यक रूप से किसी दोनों में से किसी एक में भी स्थित हो जाता है, या तो कर्म संन्यास के मार्ग में स्थित हो जाए चाहे कर्म योग के मार्ग में स्थित हो जाए, तो उभयोर बिंदते फलम, जो फल दोनों से प्राप्त होता है वो किसी एक से भी प्राप्त हो जाएगा। तो चाहे तुम कर्म संन्यास के मार्ग का अनुसरण करो चाहे कर्म योग के मार्ग का अनुसरण करो, दोनों से ही एक फल की प्राप्ति होती है। लेकिन हाँ, एक मार्ग सरल है और एक मार्ग कठिन है। तो सरलता के कारण भगवान ने कहा कि कर्म योगो विशिष्यते, और मार्ग विशिष्ट मार्ग है कि सामान्य लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे एक एलोपैथिक मेडिसिन का है सिस्टम, एक है होम्योपैथिक। अब कोई आपस में झगड़ा करे कि एलोपैथिक अच्छा है कि होम्योपैथिक अच्छा है, एलोपैथिक वाले होम्योपैथिक की निंदा करे, अरे ये तो अननेचुरल है, अनसाइंटिफिक है, ये क्या दाने खाने से कोई ठीक होता है? अब होम्योपैथिक वाले एलोपैथिक की निंदा कर रहे हैं, ये तो बहुत साइड इफेक्ट है, बहुत एक्सपेंसिव है, इतना सारा डायग्नोसिस करो पहले। तो ये ऐसी बातें कौन करेगा? जो अपरिपक्व है। एक्चुअली दोनों ही सिस्टम ठीक है, दोनों का उद्देश्य क्या है? मरीज को ठीक करना। तो वैसे ही योग का उद्देश्य है व्यक्ति के हृदय को शुद्ध करना, निर्मल करना, और शरीर छोड़ने के बाद उसे मुक्त करना। लेकिन हाँ, कर्म योग के मार्ग में व्यक्ति क्रमशः संसार में कर्म करते हुए अनासक्त भाव से उसका हृदय शुद्ध होता है, फिर अंततः वह ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। उसे पता चलता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तो फिर उस अवस्था को प्राप्त करता है। और कोई कोई है भाग्यवान ऐसा है जिसे पहले ही पता चल गया, तो वही अभी उसने कर्म संन्यास लेकर सभी धर्मों का परित्याग करके भगवान के प्रति पूर्णतः शरणागत हो गया, वो भी श्रेष्ठ है। तो बात यह है कि कौन व्यक्ति क्या पालन कर सकता है। तो दोनों ही मार्ग ठीक हैं, लेकिन व्यक्ति अपनी सामर्थ्य और योग्यता के अनुसार उस मार्ग का अनुसरण करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।